IBNI न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के रोड में थाना क्षेत्र स्थित हजूरगंज कॉलोनी में श्री सिद्ध हनुमान मंदिर के पुजारी और रहवासियों द्वारा कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर से मुलाकात कर मंदिर को लेकर हो रही तमाम समस्याओं से अवगत कराते हुए शासकीय रिसीवर बैठने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला यह है कि कुछ दिन पहले मंदिर के विकास के लिए फर्जी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था। इसके सबूत के आधार पर रहवासी गोविंदा अवस्थी द्वारा तमाम सबूतों को आधार पुलिस और जिला प्रशासन के समक्ष रखे थे और उसी के तहत एरोड्रम थाने पर तीन व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद भी मंदिर को लेकर रहवासियों में काफी चिंता का विषय बना हुआ है और इसी के तहत कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में रहवासी पहुंचे और उनके द्वारा लिखित में आवेदन कलेक्टर आशीष सिंह को सौंपा गया है, जिसमें उन्हें मुख्य रूप से मांग रखी है कि प्रशासन द्वारा मंदिर को अपनी नियंत्रण में रख ले और वहां पर एक रिसीवर भी बिताया जाए, क्योंकि मंदिर ही पुजारी रहते भी हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन जो दान पेटी है उसकी चाबी भी उनके पास नहीं है, जिन लोगों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसके कारण मंदिर के संचालन में भी काफी समस्या आ रही है। तो वहीं मंदिर के नजदीक एक कुआं भी है जो भी काफी वर्ष पुराना है और जो पूरी तरह से खुला हुआ है, जिसमें किसी दिन भी हादसा हो सकता है, उसे भी बंद करने का प्रशासन अपनी ओर से प्रयास करे। इन तमाम बातों का उल्लेख करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, एक प्राइवेट ट्रस्ट का मसला है जिसकी शिकायत उनके द्वारा करी गई है और उसमें कुछ ट्रस्ट के सदस्यों के बीच का विवाद है, जिस हेतु SDM को निर्देशित किया गया। वहां पर एक कुआं भी बताया गया है कि खुला है, जिसपे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं है, ये देखने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। दोनों कार्रवाइयां पैरेलली चलेंगी। कलेक्टर साहब को देने की, आप इसमें रिसीवर बिठा दो और आप अपने अंडर में ले लो मंदिर, क्योंकि असाधारण तो लोग तब कभी कभी वहाँ आते हैं, पैसा दो, कार्यक्रम कराने में तकलीफ देते हैं, चंदा होगा ले जाते हैं, और खासकर वो कुएं को आए क्योंकि मंदिर के पड़ोस में ही कुआं है। उसमें 8 से 10-15 साल पहले एक बच्ची गिर भी गई थी और शिव मंदिर के पड़ोस में ही कुआं है, तो कुआं पूरा खुला है, कुआं पूरा खुला है, जो साहब को हमने अवगत करा दिया, कुएं का फोटो भी लाए हैं, तो उसमें भी कभी भी जनहानि हो सकती है उसमें, और मंदिर का हजूरगंज कलानी नगर सिद्ध हनुमान मंदिर उसमें चाबी सौंप दी क्या साहब को? वही उनको दिया था कि आप ये अपने अंडर में ले लो, रिश्वत बैठा दो, ताकि उसमें पुजारी को समय पे पगार भी मिल जाए और जो पैसा हो वो आप यहाँ पे अपना अंडर में कर लो। पैसा भी सर बोले मैं दिखवाता हूँ, वो नगर निगम को भी फोन किया उन्होंने, अब सर को तो कल भेजना है टीम, कुएं के लिए टीम भेज रहा है और बोले जांच करके जो भी कार्रवाई होगी मैं उसकी कार्रवाई करूंगा। अभी चाबी नहीं है, अपने कहने दान पेटी की चाबी भी ले गए वो, नहीं चाबी अभी नहीं दी, चाबी अभी तो साहब को सिर्फ वो दिया है वो कि वो साहब बोले जांच करके मैं जो निर्णय होगा लूंगा, और कुएं के लिए तो कल नगर निगम की टीम भेज रहा है वो उसके लिए। अब आदमी बताते सर, अब हमको तो पुजारी लोग, हम तो नाम तो मालूम नहीं, FIR हुई है उनकी एरोड्रम थाने में, उसमें 2-3-4 लोग हैं, FIR पेपर में भी आया उसमें, हम तो पढ़ते ही नहीं, पूजा ही में सुबह से शाम हो जाती है हमारे को, अभी शिवपुराण चल रही है, सुबह पार्थिव लिंग का अभिषेक चल रहा है, काफी संख्या में रहवासी आए बहुत यहाँ पे आए, अभी कलाई नगर हजूरगंज आसपास के कम से कम 15-20 कॉलोनी के लोग, कम से कम हजारों लोग आ रहा है वहाँ, पार्थिव लिंग की पूजा कर रहा है, शिवपुराण सुन रहा है, और महिलाओं का तो ऐसा तांता लगा है पूजा करने की जिसका जवाब नहीं।